हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई पनीर। ये हमने 200 ग्राम पनीर लिया है। ये हमने एक शिमला मिर्च ली है, इसको इस टाइप से काट लिया है। ये हमने एक प्याज ली थी, इसको भी हमने इस तरीके से काटा है। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए पहले हमें एक चम्मच भर के सौंफ लेनी है, इसको रोस्ट करना है 5 मिनट के लिए। ये एक चम्मच धनिया लेना है साबुत, आधा चम्मच सौंफ और लेंगे, आधा चम्मच धनिया। अब इसको हम 1-2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे, ये करारी हो जाएगी। फिर इसको मिक्सी में पीसेंगे। सौंफ धनिया हमारा करारा हो चुका है, इसमें से खुशबू भी अच्छी आ रही है। इसमें ही हम आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, वो भी ये भी करारा हो चुका है। गैस को बंद कर देंगे। अब इसको मिक्सी जार में डाल के पीस लेते हैं। सौंफ धनिया को हमने मिक्सी गिलास में डाल दिया है, अब इसको पीस लेते हैं। सौंफ धनिया को इतना हमने पीस लिया। ये हमने प्याज काटी थी कढ़ाई पनीर बनाने के लिए। अब इसको हम तेल में थोड़ा फ्राई कर लेते हैं 5 मिनट तक, जिससे हमारी प्याज की कचान निकल जाए। आप चाहो तो उबाल भी सकते हो। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी, अब इसमें हम ये दो बड़े बड़े टमाटर काटे हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। इसको भी प्याज के साथ फ्राई कर लेते हैं 5 मिनट तक। गैस को तेज कर देते हैं, तो भी 5 मिनट तक तेल में फ्राई कर लेते हैं। इसको भी मिक्सी जार डाल के कभी पेस्ट बना लेते हैं। 5 मिनट फ्राई करते हुए हो चुके हैं हमें। इससे कढ़ाई पनीर बहुत अच्छा बन के तैयार होता है, प्याज की भी कचान नहीं आती है। प्याज हमारी टमाटर फ्राई हो चुके हैं, इसमें हम ये 3-4 काजू डाल देते हैं, आधी चम्मच तरबूजे की खीरी। इनको भी टमाटर प्याज के साथ मिला लेते हैं। इनको मिक्सी जार में डाल के पीस लेते हैं। सौंफ धनिया को हमने थोड़ा दरदरा पीस लिया है, इसको निकाल लेते हैं। प्याज टमाटर का भी हम पेस्ट बना लेते हैं। गिलास को हमने धोया नहीं है, ऐसे प्याज टमाटर डाल दिए हैं, ना ही इसमें पानी डाला है। टमाटर हमारे पानी छोड़ेंगे, इसको पीस लेते हैं। आप चाहो तो पानी भी डाल सकते हो। टमाटर प्याज का भी हमने पेस्ट बना लिया है। अब हम पनीर बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए पहले हम पनीर को हल्का हल्का सेक लेते हैं। फ्राई पैन में तेल डालकर हमने गैस पे रख दिया था, तेल हमारा गरम हो चुका है। इस तरीके से तो इस तरीके से हम पलट देंगे, सभी पनीर के टुकड़ों को ऐसे हल्का पलटा करेंगे इस तरीके से, गोल्डन ब्राउन करेंगे तरीके से। सभी इसी तरीके से हम उल्टा पलटा कर देंगे, सभी पनीर को हम इसी तरीके से उल्टा पलटा कर देते हैं। ये गोल्डन हो चुके हैं, अब इनको हम निकाल लेते हैं। ज्यादा नहीं करना है, अब इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। पनीर को हमने निकाल लिया है, इसमें हम प्याज और शिमला मिर्च फ्राई कर लेंगे, कचान निकल जाए 5 मिनट के लिए। इस तरीके से कढ़ाई पनीर बनाने के लिए आप चाहो तो जिस कढ़ाई में पनीर बनाओगे उसमें भी ये फ्राई करके निकाल सकते हो। तेल था तो हम इसमें ही कर रहे हैं ये फ्राई। 5 मिनट हो चुके हैं, गैस को हम बंद कर देते हैं। टिक कढ़ाई को हमने गैस पे रख दिया है तेल डाल के, तेल हमारा गरम हो चुका है। इसमें हम ये खड़ा गरम मसाला डालेंगे, इसमें हम तेजपत्ता डालेंगे। गरम मसाला हमारा हो चुका है, हम आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसको 1-2 मिनट भून लेते हैं। इसमें हम टमाटर और प्याज का पेस्ट डाल देंगे जो हमने पीस रखा है। ये टमाटर और प्याज का काजू का पेस्ट डाल रहे हैं, इसको भून लेते हैं। गैस को तेज कर देंगे। इसी गिलास में हम पानी डाल के हल्का सा पानी डालेंगे, इसमें हम ये पानी डाल देंगे, इसको भूनते रहेंगे। इसमें हम बाकी के अपने मसाले डालेंगे। इस
इसमें हमने ये सौंफ धनिया जो पीसा था ये डालेंगे, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया नहीं डालेंगे क्योंकि सौंफ धनिया हमने पीस लिया था। ये गरम मसाला आधा चम्मच और सौंफ धनिया, उन सबको अच्छी तरह भून लेते हैं। इसको अच्छी तरह भूनेंगे सभी मसालों को। इसमें हम आधा चम्मच नमक डालेंगे। मसालों को हम अच्छी तरह भूनते रहेंगे जब तक ये तेल नहीं छोड़ देते। थोड़ा हम इसमें पानी डालेंगे। इसमें थोड़ा सा ये पानी डाल रहे हैं मसाले भूनने के लिए। इसमें हम एक चम्मच घर की मलाई डालेंगे, दूध की निकली हुई। अब इनको अच्छी तरह भून लेते हैं। मसाले हमारे अच्छी तरह भून चुके, इन्होंने तेल भी छोड़ दिया है मसालों ने। अब इसमें हम शिमला मिर्च और प्याज डाल देंगे। ये रही शिमला मिर्च और प्याज, इसको भी हम इसमें डाल देंगे मसालों में। अब इसमें हम अपना पनीर भी डाल देंगे। इस तरीके से पनीर को डाल देंगे। सभी पनीर हमने इसी तरीके से डाल दिया। अब इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा पानी और डालेंगे। अब इसको इन सब चीजों को इसके साथ मिक्स कर देते हैं। नमक भी बिल्कुल ठीक है, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो, आपको कम बढ़ती लगे तो। थोड़ा सा पानी और डालेंगे, इसको ज्यादा पतला नहीं करना है, मीडियम रखना है। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। 5 मिनट के लिए हमने कढ़ाई पनीर को ढक दिया है। 5 मिनट के बाद देखते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम कढ़ाई पनीर को एक दफा देख लेते हैं। माशाल्लाह से वो भी बहुत अच्छी आ रही है, खाने में भी इतना स्वादिष्ट लगेगा। इसको हम एक दफा चला देते हैं। कढ़ाई पनीर हमारा बन के तैयार हो चुका है, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको हम ढक देते हैं, गैस को हम बंद कर देते हैं। कढ़ाई पनीर हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, ये कटी हुई हरी मिर्च। कढ़ाई पनीर को हम एक बोल में निकाल लेते हैं। कढ़ाई पनीर हमारा बनके तैयार हो चुका है। आप इसे रोटी के साथ, पूरी के साथ भी खा सकते हो। अगर आपको पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।